Assalamu alaikum class 6, how are you all? Hope you all are fine. I am Iskuratulain, your SST teacher, and today we are going to revise some short question answers. As you know that class के आपके हर chapter में जो है वो कुछ short question answers होते हैं और कुछ long question answers होते हैं, तो आज हम अपनी इस revision class में क्या करेंगे, short question answers को revise करेंगे. Our first question is, name two highest mountains of the Himalayas. ठीक है, Mount Everest और नांगा पर्वत. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, डिफाइन मिनरल्स. मिनरल्स को आपको डिफाइन करना है. तो मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ. कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम फोर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. हमने अपनी लास्ट लेक्चर में जो है स्फीयर्स ऑफ द अर्थ की डायग्राम बनाई थी, उसकी प्रैक्टिस की थी, और मैंने आपसे कहा था कि इसकी लेबल, इस डायग्राम को रफली आप प्रैक्टिस करें और उसके लेबल्स लेबल उसको करना सीखें. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है. तो फोर स्फीयर्स क्या होते हैं हमारे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमोस्फीयर. अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको मजीद इसको अपनी नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, लैंड को कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, पानी वाले हिस्से को कहते हैं. बायोस्फीयर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं. और एटमॉस्फेयर आपको पता है कि हमारी आबो हवा. ठीक है, तो आप इन चारों को जो स्फीयर्स को आप डिफाइन करें, नाम लिखें, तो इनके आगे ब्रैकेट में आप इसको लैंड और वाटर इस तरीके से भी मजीद डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज, राइट एनी टू यूजेस ऑफ वाटर. यहाँ मैंने कोई यूजेस नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क. ठीक है, यूजेस ऑफ वाटर इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. आप कोई भी टू यूजेस ऑफ वाटर लिख सकते हैं, लाइक आपको पता है वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है, फॉर कुकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लॉथ, फॉर वॉशिंग हैंड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी आपकी यूजेस हैं, कोई से भी टू यूजेस आपने वाटर के अपने जहन में रखने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, डिफाइन रॉक्स. रॉक्स किसे कहते हैं, हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी है. तो क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव इज योर होमवर्क बेटा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.